मुंगावली क्षेत्र की ये समझ मेरी जनता नहीं बैठी है, ये तो मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ ना बैठे। एसपी साहब कहाँ है? एसपी साहब निकल गए। मुझे बड़ी खुशी है आज मुंगावली आते हुए। हर बार जब मैं आता हूं, मैंने सदैव आपको कहा है कि मैं कभी भी आपके बीच में खाली हाथ नहीं आता, कुछ न कुछ अपने साथ लेकर ही आता हूं। आज ये हितग्राही सम्मेलन जो आयोजित किया गया है मुंगावली, मेरी सोच कि मुंगावली के लिए सदैव विकास और प्रगति में लेके आया हूं, चाहे वो आपकी सड़कों की बात हो, चाहे शहरी सड़कों की बात हो, चाहे ग्रामीण अंचल की सड़कों की बात हो। मुंगावली से पिपराई से अशोकनगर की सड़क, मैंने आप लोगों से कहा था कि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराना और मैं नई सौगात आपको दूंगा, तो कोलारस से मेघोना बाड़ा से मुंगावली के अमरोह तक 90 किलोमीटर की सड़क 1 अरब रुपए की राशि की मैंने स्वीकृत करवाई मुंगावली और कोलारस के बीच में। आप लोगों तो सड़कों का अंबार आया, सब स्टेशनों का अंबार आया, आपने जो मांगा वो मैंने आपको दिया है, जो आपने नहीं मांगा वो भी मैंने मुंगावली की जनता को बनाकर आप लोगों को दिया है। लेकिन जहां सार्वजनिक विकास और प्रगति के कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, सब स्टेशन की बात हो, चाहे मुंगावली की पेयजल की योजना की बात हो, उसी के साथ उतना ही महत्वपूर्ण होता है व्यक्तिगत कार्य। और इसी विचारधारा के साथ मैंने ये जन सुनवाई कार्यक्रम पूरे संसदीय क्षेत्र में मैंने शुरुआत की। मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस की सरकार आप बनाओगे तो वो ऐसी सरकार बनेगी जो किसानों की होगी, महिलाओं की होगी, नौजवानों की होगी, एक ऐसी सरकार बनेगी जिसके दरवाजे पे दस्तक आपको न देना पड़े, लेकिन वो सरकार आएगी आपके दरवाजे पे दस्तक देने के लिए, एक सेवा भाव की सरकार। और उसी भावना के साथ ये जन सुनवाई का कार्यक्रम मैंने आयोजित किया है। हर एक ब्लॉक में, राजस्व का ब्लॉक में नहीं लेकिन हमारे संगठन के ब्लॉक में, जहां 80-80 पोलिंग है, 60-60 ग्राम पंचायत है, वहां जन सुनवाई का कार्यक्रम। और आप लोगों ने 7,251 आवेदन दिए और उसमें से 4,455 आवेदनों पर निराकरण होके समाधान होके जो भी मांग जनता ने व्यक्तिगत की थी, उस व्यक्तिगत मांग को पूरा करके इस मंच से हमने और आपका आशा पूरा किया। और इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया, चाहे बीपीएल की राशि हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे सामाजिक राशि हो, एक एक आवेदन पर कार्य कर उसका समाधान निकालकर मेरी जनता का व्यक्तिगत कठिनाई का भी समाधान निकालना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिम्मेदारी है। 15 साल हम नहीं कर पाए क्योंकि 15 साल हमारी सरकार नहीं थी। आज कांग्रेस की सरकार आपने स्थापित की है, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। ब्रजेंद्र को आपने मुंगावली में जिताया, गोपाल सिंह जी को चंदेरी में, जसपाल सिंह जी को अशोकनगर में, और बदले में कांग्रेस की सरकार जमीन पर आपके लिए कार्य करेगी, एक एक व्यक्ति के संकट का समाधान करके आपको दिलवाएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं।
उसी विचारधारा के साथ मैंने एक और निवेदन आपसे किया था। चुनाव के समय में मैंने आपको कहा था किसान का ऋण माफ, बिजली बिल हाफ हाफ, बिजली बिल हाफ, भाजपा का सूत्रा साफ। आपने अपनी बात रख ली, तीनों विधायक को पूरे जिले में आपने जितवाया। अब जिम्मेदारी हमारी, हमने कहा था कि 10 दिन में किसानों का ऋण माफ होगा। 10 दिन में नहीं, हमने किसानों का ऋण माफ 6 घंटे के अंदर कर दिया। 55 लाख किसान पूरे मध्य प्रदेश के 40,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की योजना के तहत सब किसानों का ऋण माफ करके आपको दे दिया। और उनमें से कई लोगों को प्रमाण पत्र आज हमने दिया है, किसी का 84,000, किसी का 1,55,000, किसी का 1.25 लाख। मैंने आपको चुनाव के समय में कहा था कि सरकार कांग्रेस की बनाओगे तो खजाने पर अगर किसी का पहला हक होगा तो वो मेरे अन्नदाता का हक होगा उस खजाने पर। और आज किसानों का ऋण माफ हुआ है 40,000 करोड़ का। बिजली के बिल के मामले में मैंने कहा था बिजली बिल हाफ, जो 10 हॉर्स पावर का पंप है किसान का, उस 10 हॉर्स पावर का पंप किसान का उसका बिजली बिल आधा कर दिया। और जो 100 यूनिट का बिजली इस्तेमाल करता है उस व्यक्ति को केवल 100 रुपया का बिल देना होगा। ये राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाई है सभी लोगों के। तो हमारी सरकार एक लोखंडमुखी सरकार है, एक महिलाओं की सरकार है। 51,000 जिन बच्चियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उनका लग्न होगा, 10 जोड़ों का या 20 जोड़ों का या 25 जोड़ों का, वहां हर वर के नाम पर नहीं लेकिन हर वधू के नाम पर कांग्रेस की सरकार के द्वारा 51,000 रुपया दिया जाएगा हर वधू के खाते में। मैं चाहता हूं कि मेरी महिलाएं सशक्त हो, इतनी सशक्त हो कि घर का पुरुष उनके ऊपर निर्भर हो, यह ना हो कि महिला पुरुष के ऊपर निर्भर हो। तो महिला की सशक्तिकरण, जितने भी हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवानों के लिए सरकार ने नीति बनाई है कि जितने भी शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं उन लोगों के लिए 100 दिन का रोजगार हर साल 4,000 रुपया प्रति माह उन शिक्षित बेरोजगारों के खाते में डाला जाएगा कांग्रेस की सरकार के द्वारा। तो हमारी सरकार किसान की सरकार, हमारी सरकार महिलाओं की सरकार, हमारी सरकार मेरे नौजवानों की सरकार, ये कांग्रेस का संकल्प है आप लोगों के लिए। ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलवाता हूं। आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश में तो आपने शिवराज सिंह जी की बोरी बिस्तर बांध के भगा दिया, रवाना कर दिया। तो राहुल जी ने यहाँ के संग्राम के मैदान से मुझे योगी जी और मोदी जी के सामने रख दिया है। अभी मैं जितना दौरा हो सके मैं कर रहा हूँ। चुनाव के समय में जितना मैं चाहूं शायद मैं आपके बीच में ना आ पाऊं। तो गुना, अशोकनगर, शिवपुरी में, मुंगावली में चुनाव कौन लड़ेगा? आम जनता। अभी सुनाई नहीं दिया, कौन लड़ेगा? आम। और वो क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया केवल इस शरीर में नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सारी जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में अग्रसर होकर आगे लड़ेगा। हमारा और आपका संबंध एक हृदय का है, हमारा और आपका संबंध एक विकास का है, प्रगति का है। और मुंगावली की प्रगति और विकास
सुनिश्चित करना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दायित्व नहीं होता, ज्योतिरादित्य सिंधिया का धर्म बनता है, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं जो मेरे सामने आए हैं, जिनको चिंता है कि इनके पट्टे से इनको बेदखल किया जाएगा, मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां है, आपको अपने पट्टे से बिल्कुल बेदखल नहीं किया जाएगा, चिंता मत करो। सारे मेरे पुराने लोग हैं, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जी के समय में इनको मतदाता सूची में डाला गया था, ना कोई आदिवासी। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ना कोई आदिवासी, ना कोई गरीब को अपने जमीन से कांग्रेस की सरकार में बेदखल किया जाएगा। मैंने आपकी बात संतुष्टि से आपको सुना दी। अब यही एक रिश्ता, यही एक वातावरण आने वाले समय में हमें कायम करना है। जो शिवराज सिंह जी की बोरी बिस्तर यहां से बांध के भेज दी, अब दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी की बोरी बिस्तर बांध के भेजना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।